जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसरो ने लॉन्च किया अपना 14 कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है GSAT-31, किस ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना 14th कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31 लॉन्च किया है और जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है उसका नाम है Ariane 5। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉकेट का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, कितनी खूबसूरती से GSAT-31 को लॉन्च किया गया है। और ये जो वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लिया गया है इसरो के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। तो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है इसरो को। जैसा कि आप यहाँ पर इसरो का ट्वीट भी देख सकते हो कि जो मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है और उसके बाद उन्हें ढेरों बधाई आ रही है अलग अलग जगह से। सो हम भी हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से इसरो को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो क्या है GSAT-31 कम्युनिकेशन सैटेलाइट? अब देखिए, अगर कोई भी मिशन हम लॉन्च करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। तो इस मिशन की लाइफ है 15 साल। तो 15 सालों तक ये जो सैटेलाइट है ये हमारी हेल्प करता रहेगा। तो देखिए, GSAT-31 को कू बैंड के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लाया जाएगा, जहाँ से वो जो भी कम्युनिकेशन की चीज़ें होती है उसमें हमारी मदद करेगा। इसका जो टोटल वेट है वो है 2535 kg। और ये जो सैटेलाइट है ये कौन सी चीज़ें कवर करने वाला है, कौन सी चीज़ों में हमें हेल्प करने वाला है? तो इंडिया का जो मेनलैंड है और जो आइलैंड्स है उस पर ये कवरेज अपना प्रोवाइड करेगा। अब मेनलैंड और आइलैंड में क्या फ़र्क है? अब भारत का अगर हम मेनलैंड देखते हैं तो शुरू होता है ताज से, मतलब कश्मीर से, और फिर ये पूरा जाता है, इसमें सारे जो ईस्टर्न स्टेट्स है वो कवर होते हैं, और फिर यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, सारे जो कोस्टल एरियाज़ है वो कवर होते हैं। अब इस मेनलैंड के साथ साथ हमारे पास कुछ आइलैंड्स भी है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है। तो ये जो आइलैंड्स है इस पर भी कवरेज मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, उसी के साथ साथ कू बैंड का मतलब क्या होता है, और जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व होते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कैसे होते हैं। तो बचपन में आपने ये चीज़ कभी की होगी, अगर की नहीं है तो देखी ज़रूर होगी। एक थ्रेड से अगर आप गोला बांधते हो जिसका कुछ वेट है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो राउंड है इसे हम जर्क दे रहे हैं, मतलब मूवमेंट दे रहे हैं। और जब मूवमेंट देते हैं तो ये इस डिरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इसे थ्रेड से बांधा गया है, इस वजह से इधर नहीं जा सकता है, ये सर्कुलर मोशन जो है ये अडॉप्ट करता है। और यही सेम फिनोमिना लागू होता है सैटेलाइट्स के मामले में भी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, सैटेलाइट को एक जर्क दिया गया है ताकि ये मूव करे, मगर यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसे अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो जैसा कि हमने इस फिगर में देखा था, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, तो ये जो है ये है ग्रेविटेशनल पुल। अब सैटेलाइट जाने की कोशिश करता है इस साइड, मगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस साइड खींचता है, इस वजह से जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर मोशन अडॉप्ट करता है। तो इसलिए हमें इस तरीके की सर्कुलर मोशन जो है वो देखने को मिलती है सैटेलाइट की। और यही फिनोमिना मून के लिए भी अप्लीकेबल है। क्यों मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, उसी के साथ साथ जो भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं उनके लिए भी सेम फिनोमिना अडॉप्ट होता है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं जो अलग अलग बैंड्स है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हाइब्रिड, MSS, कू बैंड, सी बैंड, का बैंड, एस बैंड, एल बैंड। तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स में आपको बैंड नज़र आएंगे। जो ग्रीन कलर में है वो है कू बैंड, जहाँ पर हमारे जो GSAT-31 को लॉन्च किया गया है। जिस तरीके से अगर हम ट्रेन में जाते हैं या फिर फ्लाइट में जाते हैं तो हमारी सीट बुक होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं तो बैंड भी जो है वो बुक कर लेते हैं, कहाँ पर हमारा सैटेलाइट जो है वो रहने वाला है, कौन सी पोजीशन पर रहने वाला है। क्योंकि देखिए, स्पेस में काफ़ी सैटेलाइट जो है वो घूमते रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, हमारे कितने सारे सैटेलाइट जो है वो स्पेस में घूम रहे हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर हम इन दोनों में का डिफरेंस जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दोनों में सिमिलरिटी जो है वो ये है कि दोनों भी अर्थ के सरफेस से अराउंड 36 किलोमीटर के आसपास होते हैं, और जब सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है इस तरीके से इक्वेटर के अराउंड होता है, और अगर हम जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट देखते हैं तो वो ऐसे इंक्लिनेशन पर होता है। तो इसमें क्या होता है, सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में उतना ही वक्त लगता है जितना अर्थ को अपने अराउंड रोटेट होने में लगता है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर हम किसी पॉइंट से
इस सैटेलाइट को देखेंगे तो हमें वो स्टेशनरी नजर आएगा। अब ये इस तरीके से क्यों किया जाता है, क्योंकि इसे भारत के ऊपर रखा जाता है ताकि 24 आवर्स भारत पर इसका इन्फ्लुएंस बना रहे, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हमें किसी और को तो कम्युनिकेशन देना नहीं है, सिर्फ भारत को ही लेना है। इसलिए अच्छा रहेगा अगर ये भारत के ऊपर ही रहता है तो इसलिए इसे इस ऑर्बिट में फिक्स किया जाता है ताकि 24 आवर्स भारत के ही ऊपर रहे। तो अब GSAT-31 का पर्पस क्या है? तो इसरो के मुताबिक GSAT-31 VSAT नेटवर्क्स, टेलीविजन अपलिंक्स, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, DTH टेलीविजन सर्विसेज, सेलुलर बैक हॉल कनेक्टिविटी, इन सब के लिए हेल्प करने वाला है। जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं उसमें ये हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, तो ये जो ओशनिक रीजन है वहाँ का भी कम्युनिकेशन हमें वाइड बैंड ट्रांसपॉन्डर के थ्रू प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ साथ 2 कू बैंड बेकॉन डाउनलिंक सिग्नल जो है वो भी ट्रांसमिट किए जाने वाले हैं ग्राउंड ट्रैकिंग पर्पस के लिए। तो ये काफ़ी एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसके तहत हमें पूरी तरीके से कम्युनिकेशन जो है हर फील्ड में मिल सकती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि GSAT-31 लॉन्च कहाँ से किया गया है। तो मैंने आपको रॉकेट का नाम तो ऑलरेडी बता दिया है, और GSAT-31 ये लॉन्च किया गया है कोरू फ्रेंच गुआना से। तो एक बार मैप में भी हम इसे देख लेते हैं। तो अगर हम साउथ अमेरिका का मैप देखते हैं तो यहाँ पर हमें फ्रेंच गुआना देखने को मिलता है। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अपनी बॉर्डर कौन कौन से देश के साथ शेयर करता है, उसी के साथ साथ इक्वेटर यहाँ से पास होता है या नहीं होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए, काफ़ी एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये फॉरेन जगह से क्यों लॉन्च किया गया है, फॉरेन रॉकेट के साथ क्यों लॉन्च किया गया है। क्योंकि देखिए, जब हमने GSAT-11 लॉन्च किया था इसी कंपनी के साथ, तब उन्होंने डील की थी कि हम GSAT-30 और 31 भी लॉन्च करेंगे। अब हमने GSAT-11 क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि उसका जो लोड था, वेट था, वो बहुत ज़्यादा था और हमारा रॉकेट वो बियर नहीं कर सकता था, इसलिए हमने उनके साथ लॉन्च किया। और तब उन्होंने डील की थी कि GSAT-30 और 31 भी वही लॉन्च करेंगे। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक है, इस पर हम अश्योर नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैंने इसे स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है और आपको लास्ट में ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।